नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम भारत के लोग हैं, यहाँ के मध्यम वर्गीय संस्कारी परिवारों में बच्चों को संतोष करना सिखाया जाता है। उनको बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती है कि अपने से नीचे वालों को देखो, खुश रहोगे। ये सही भी है, क्योंकि जीवन के संघर्षों को देखते हुए अक्सर लोग कह ही देते हैं कि इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अब जब ये सब चीज़ें व्यवहारिक जीवन में लागू होती हैं, तो फिर हमारी सरकार कैसे पीछे रह सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि भारत में मिलने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को इसका डाटा साझा करते हुए कहा कि भारत में रसोई गैस की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी दूसरे देशों के मुकाबले कम है। यानी इस बात से संतोष करने को कहा गया है कि दूसरे देशों के यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं, तो यहाँ चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया, भारत में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि वैश्विक स्तर की तुलना में काफ़ी कम है, जबकि इनपुट लागत में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित 7 देशों में रसोई गैस की कीमतों की तुलना भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि आप ईंधन की कीमतों को अलग अलग नहीं देख सकते, यह भी देखना जरूरी है कि वैश्विक बाजारों में क्या हो रहा है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को भी ध्यान देना चाहिए। अब एक नज़र उन देशों पर भी डाल लेते हैं कि किन किन देशों में रसोई गैस की कीमत की तुलना भारत से की गई है। वहीं भारत में गैस की कीमतों की बात करें तो दिल्ली के सिलेंडर के मूल्य की कीमत है 1053 रुपये, वहीं पाकिस्तान में 1113 रुपये 73 पैसे में गैस सिलेंडर है। वहीं अगर नेपाल की बात की जाए तो 1139 रुपये 93 पैसे में सिलेंडर होगा। वहीं श्रीलंका में 1243 रुपये 32 पैसे में, US में 1754 रुपये 26 पैसे, वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 1774 रुपये 67 पैसे और कनाडा में 2411 रुपये 20 पैसे में सिलेंडर मिलेगा। अब जब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों की तुलना श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से की जाए, जो या तो दिवालिया हैं या दिवालिया होने की कगार पे हैं, तो थोड़ी हैरानी तो बनती ही है। इससे भी हैरानी की बात ये है कि अंतर सिर्फ 100-200 का है, वरना टीवी पर तो देखा था कि श्रीलंका में बहुत महंगाई है। मेरा मानना है कि अगर तुलना की जाए तो उन देशों से की जाए जो आर्थिक और सामाजिक परिवेश में हमारी बराबरी रखते हैं, उनसे नहीं जो या तो बिल्कुल नीचे दिखाई देते हैं या बिल्कुल ही ऊपर हैं। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का भी असर जनता पर पड़ता है। अगर आमदनी अच्छी है तो 5000 का सिलेंडर खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब आय कम होती है तो 1000 रुपये का सिलेंडर खरीदने में भी बड़ी कठिनाई होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।